कृष्णा कुमार कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के हिंदी सेक्शन में देवनागरी लिपि का उद्भव एवं उसका विकास किस तरह हुआ है इसके विषय में चर्चा करेंगे। ये जो लिपि बताई है देवनागरी लिपि, इसका अर्थ एवं परिभाषाएं किस प्रकार से बताई गई है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। विचार मानव की विशेषता है। विचारों ने भाषा को जन्म दिया है और भाषा ने विचारों को जन्म दिया है। भाषा को स्थायी रूप देने की आवश्यकता अगर है तो उसके लिए लिपि की भी आवश्यकता होती है और भाषा की आवश्यकता के द्वारा ही लिपि की आवश्यकता को जन्म देती है और लिपि के विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनके चरण बताए गए हैं। विकास जो है लिपि का चार प्रकार से बताया है, प्रतीक लिपि, चित्र लिपि, भाव लिपि एवं ध्वनि लिपि। ये चार प्रकार की जो अवस्थाएं बताई हैं, सबसे पहले मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करता है। इसके पश्चात चित्र लिपि का आविष्कार करता है और चित्र लिपि के दर्शन वर्तमान चीनी लिपि में भी होते हैं। चित्र लिपि का विकसित रूप भाव लिपि कहलाया परंतु लिपि के इन रूपों से विचारों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती है। परिणामतः मानव ने अपनी अपनी भाषाओं की मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह विशेष निश्चित किए हैं। ये ध्वनि चिन्ह ही आज की लिपि के नाम से जाने जाते हैं और लिपि को ही हम निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे किसी भाषा की मूल ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह समूह को ही लिपि कहा जाता है। लिपि किसी भाषा की मूल ध्वनियों को ही चिन्हित, जो चिन्ह है निश्चित जो किए गए हैं उन्हीं को लिपि कहा गया है। अब लिपि जो ये लिपि है इसमें देवनागरी जो लिपि है उसका उद्भव कैसे हुआ है इस पर चर्चा करते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से माना गया है और ब्राह्मी संसार की सबसे प्राचीन लिपि मानी गई है और गौरीशंकर हरिचंद ओझा के अनुसार ब्राह्मी लिपि का आविष्कार आर्यों ने ही किया था और वैदिक संस्कृत और संस्कृत की लिपि इस लिपि में लिखी जाती थी और उन्होंने अपने जो शिलालेख थे जैसे बुद्ध के समय में इस लिपि का विस्तृत प्रयोग किया गया। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही पाए गए हैं और हाँ कुछ शिलालेखों में पश्चिम भारत में प्रचलित खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। अब जो बुद्ध ये बुद्ध के द्वारा जितनी भी वो बनाए गए हैं उनके स्तंभ वगैरह या शिलालेख हैं वह सब ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। इस लिपि का ही प्रयोग उनके काल में उस टाइम प्रचलित था लेकिन अशोक के समय यही लिपि प्रचलित थी और अशोक के बाद ब्राह्मी लिपि में परिवर्तन होना आरंभ हुआ और शिक्षित लोग लिपि को सुंदर बनाने का प्रयत्न करने लगे और कलम उठाए बिना ही अक्षर लिखने की प्रवृत्ति के कारण भी लिपि में परिवर्तन होने प्रारंभ हुए। इसके अतिरिक्त
ब्राह्मी लिपि, उसके बाद है गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आई है उड़िया,
ईसा की तीसरी शताब्दी तक पश्चिमी भारत में इस खरोष्ठी लिपि का प्रचलन रहा, परंतु तत्पश्चात ब्राह्मी लिपि के वंशजों का ही प्रयोग हुआ है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं निम्नवत बताई गई है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं जैसे, यह लिपि बहुत ही सुंदर और स्पष्ट है। देवनागरी लिपि में प्रायः सभी मूल ध्वनियों के लिए पृथक पृथक चिन्ह भी हैं, और इस लिपि की यह विशेषता है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है और वैसा ही पढ़ा जाता है। इस लिपि का ध्वनि तत्व बड़ा ही वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में स्वरों के स्थान पर उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे शब्दों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर को लिखी जाती है। देवनागरी लिपि भारत में प्रयुक्त होने वाली कई अन्य लिपियों जैसे मराठी, बंगाली, गुजराती तथा गुरुमुखी आदि से बड़ा मेल खाती है। राष्ट्र की एकता की दृष्टि से यह एक अच्छी बात साबित होती है। इस लिपि में विदेशी ध्वनियों को भी व्यक्त कर सकने की शक्ति है। इस शक्ति के कारण ही यह संसार की सबसे अधिक समृद्ध लिपि है। हमारे देश का मूल साहित्य और संस्कृति इसी लिपि में सुरक्षित है। अब देवनागरी लिपि की न्यूनताएं। देवनागरी लिपि में अक्षरों की संख्या बहुत अधिक है। कुछ ध्वनियों में इतना कम अंतर है कि हिंदी भाषा भाषियों को उनके सीखने में बड़ा समय लगता है, जैसे शहर, बड़ा शहर तथा पटा शहर, सशहर, सस्कोल। कुछ वर्णों की बनावट भी ऐसी है कि उनमें बड़ा ही कम अंतर है, जैसे बह तथा वह, जैसे बह तथा वह। स्वरों के लिए प्रयुक्त होने वाली मात्राएं कभी व्यंजनों के पहले तो कभी उनके बाद लगती है, जैसे किस तथा की। उसी प्रकार उ तथा बड़े उ की मात्राएं सभी व्यंजनों के तो कभी नीचे लगती है परंतु र व्यंजन के बीच में लगती है, जैसे कु, जैसे बड़े उ की मात्रा अगर गैप लगेगी तो ऐसे लगेगी या फिर ऐसे लगेगी, वहीं अगर यह मात्रा र पे लगती है तो र के बीच में लगेगी। ठीक उसी प्रकार संयुक्ताक्षरों को सीखना और लिखना भी कठिन पड़ता है। जैसे र के चार रूप मिलते हैं, जैसे चरम, जैसे ग्रह, जैसे अब हम रह को लिखना चाहें, अब हम चरम लिखेंगे इस प्रकार, एक हम इस प्रकार, अब ग्रह लिखेंगे हम एक इस प्रकार, वहीं एक इस प्रकार। तो इसके भी कई रूप बताए गए हैं, वहीं इसके अंतर को जानना भी थोड़ा कठिन पड़ता है। वहीं ग्रह उच्चारण के क्रम में नहीं लिखा जाता, तभी अधिकतर बच्चे आशीर्वाद शुद्ध के स्थान पर आशीर्वाद अशुद्ध भी लिख देते हैं। जैसे आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ये अशुद्ध रूप हुआ। एक ऐसे लिखा जाएगा, वह के ऊपर दे, सॉरी रे, ये आशीर्वाद है। इस प्रकार से थोड़ा कुछ ऐसा है कि जो समझ के अंदर को फेर कर।
संयुक्त राष्ट्र का वो अलग लगाकर लिखना भी लिखने में थोड़ा कठिन जान पड़ता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परिवर्तनों के फलस्वरूप तथा दी जाए।